लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलोल के ग्राम खनौली में भी ग्रामीण व समाज सेवी ने फूका पुतला। यूपी के जनपद महाराज के खनौली में भी पुलवामा में हुई कायराना हमले की निंदा किया गया। ग्रामीणों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, पुतला फूका, तो वहीं उक्त हिंसा में शहीद हुए जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दिया। गांव के नौजवानों ने देशभक्ति गीत गाते हुए 2 मिनट का मौन किया। साथ ही पूरे गांव में रात्रि में चूल्हा न जलाने और भोजन न करने की बात कह गांव के प्रत्येक घर से राशन किरासन की वस्तुओं को इकट्ठा कर शहीद जवानों के परिजनों तक पहुंचाने के साथ आर्थिक मदद करने की बातें कही। अभी 3 दिन पहले जो है कि पाकिस्तान द्वारा कायराना हमला भारत पे किया गया है। पहले तो हम ग्राम सभा के वासी इस कायराना हमले की निंदा करते हैं और पूरे देश में आक्रोश है। उसी के क्रम में ग्राम सभा खनौली के लोगों ने जुलूस निकाला है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मोदी जी से, भारत सरकार से हम सभी देशवासियों की ये मांग है कि यदि उसने 45 मारा है तो हिंदुस्तान जो है कि अपने फौज को छूट दे और वे 4500 पाकिस्तानी सैनिकों के सर काट करके लावे, तब जा करके हमारे देश के नौजवानों को शांति मिलेगी। और इसी के क्रम में आज उन परिवार के लोगों पे जिनके घर के लाल इस मातृभूमि के लिए जो है कि न्यौछावर हो गए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने कष्ट की बात है कि बार बार कायराना हमला करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देनी चाहिए। और पूरा ग्राम सभा उन वीर सपूतों के आत्मा की शांति के लिए अभी यहाँ धर्मशाले पे 2 मिनट का मौन व्रत रखा उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान हो, ऐसी कामना हम लोगों ने ईश्वर से किया है। और हमारी ये भी मांग है भारत सरकार से कि अजहर मसूद को फांसी की सजा दी जाए तो भी कम है, उन्हें फांसी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं। तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। हिंदुस्तान। जनपद महाराजगंज के निचलोल से बैनाथ पासवान की रिपोर्ट।